दानिश कनेरिया पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर। हाल के दिनों में वो किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। कनेरिया ने कुछ दिन पहले पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी पर एक आरोप लगाया था, जिस पर शाहिद अफरीदी ने भी पलटवार किया था। लेकिन पलटवार करते ही शाहिद अफरीदी कुछ ऐसा बोल गए कि दानिश कनेरिया ने उनकी क्लास लगा दी है। पहले पूरा माजरा समझ लेते हैं। हाल ही में दानिश कनेरिया ने न्यूज एजेंसी IANS को दिए इंटरव्यू में अफरीदी पर धार्मिक आधार पर भेदभाव और टीम के खिलाड़ियों को उनके खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया था। कनेरिया ने आरोप लगाते हुए कहा था कि अफरीदी को उनसे जलन थी और इसलिए उन्हें नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे। कनेरिया ने कहा, अफरीदी मेरे साथ सिर्फ इसलिए बुरा बर्ताव करते थे क्योंकि मैं हिंदू होकर पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलता था। अफरीदी बाकी खिलाड़ियों को मेरे खिलाफ भड़काते थे। मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और वो मुझसे जलते थे। मुझे गर्व है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेला, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए अफरीदी ने कहा कि कनेरिया सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और पैसे कमाने के इरादे से ये आरोप लगा रहे हैं। अफरीदी ने कहा, कनेरिया मेरे छोटे भाई जैसा था, मैं उसके साथ कई सालों तक खेल चुका हूँ। लोग उसके कैरेक्टर को जानते हैं। जो व्यक्ति ये सब कुछ कह रहा है उसका अपना चरित्र देखो। वो मुझ पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और पैसा कमाने के इरादे से इस तरह के आरोप लगा रहा है। साथ ही अफरीदी ने बिना नाम लिए भारत को अपना दुश्मन देश भी बता दिया। अफरीदी ने आगे कहा, अगर मेरा रवैया खराब था तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शिकायत क्यों नहीं कर दी। वो हमारे दुश्मन देश को इंटरव्यू दे रहा है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। अफरीदी के भारत को दुश्मन देश बताने पर कनेरिया ने जमकर लताड़ा। कनेरिया ने ट्वीट कर कहा, भारत हमारा दुश्मन देश नहीं है। हमारे दुश्मन वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को अलग करते हैं। अगर तुम भारत को अपना दुश्मन देश समझते हो तो कभी किसी भारतीय चैनल पर मत जाना। कनेरिया ने एक और ट्वीट कर लिखा, जब मैंने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई थी तब मुझे धमकी मिली थी कि मेरा करियर तबाह कर दिया जाएगा। दानिश कनेरिया ने साल 2010 में आखिरी बार पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मैच खेला था। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 61 टेस्ट में 261 टेस्ट विकेट हासिल किए। साथ ही 18 वनडे मैच में उनके नाम 15 विकेट हैं। कनेरिया इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के लिए एक मैच के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाए गए थे, जिसके बाद उनके ऊपर आजीवन बैन लगा दिया गया था। ये खबर आपके लिए लिखी है रवि ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।